इन्वेस्टमेंट के समय यह 8 गलतियां मत करना, या जो लोग 8 गलतियां करते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूं। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आपके पास का सरप्लस पैसा आप जमा करते हो और आप ये मकसद से जमा करते हो कि आपको वहां से रिटर्न मिलेगा और आप रिटर्न चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो पैसा जमा करके जो हम करेंगे क्या उसका, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट पे हमें पैसा मिलेगा और वो पैसा हमें काम में आएगा और कुछ काम के लिए। तो फिर इन्वेस्टमेंट करना क्या है? तो हम हरदम ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट जब भी कभी आप करते हैं तभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप पेशेंस रखना जरूरी है। आपने पेशेंस मतलब मन की शांति या धीरज रखना जरूरी है। आप धीरज रखते नहीं हो और कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको तकलीफ देह हो सकता है, क्योंकि पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है। सिवाय बैंक डिपॉजिट जो आपको पक्का रिटर्न देगा और आपने 8 दिन बाद में पैसा निकाला तभी आपको 8 दिन का ब्याज देगा, बाकी कहीं भी आपको ऐसा तुरंत पैसा वापस मिलता नहीं है, आपको रुकना पड़ता है और रुकने के बाद ही आप जब इन्वेस्ट करते तो उसका ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। सो नंबर एक का रूल है कि भाई यू हैव टू बी पेशेंट, धीरज रखना पड़ेगा। नंबर दो, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या और कहीं भी इन्वेस्ट करते होंगे तो फोमो जो है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि अरे भागो भागो भागो, सब लोग भाग रहे, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे, अरे बहुत पैसा है, वो क्रिप्टो आ गया, वो फलाना स्टॉक है, उसकी जानकारी मिल गई, वो बहुत चढ़ने वाला है, भरो भरो भरो, और सब लोग कर रहे हैं तो अपने को लगता है कि अपन पीछे रह गए, अपन तो उनके साथ में नहीं है, वो तो आगे चले जाएंगे, अपने को जो फायदा होना चाहिए फायदा नहीं हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है, मतलब सब लोग भाग रहे तो अपन भी भाग रहे, तो वो डर के मारे भाग रहे, या फिर बिलीफ कि भाई आप अभी मतलब जहाँ कंडीशन में उससे वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन है जहाँ लोग भाग के जा रहे हैं और वो अच्छा उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इसलिए फिर और उनको अच्छा मौका आने वाला है, कुछ ना कुछ उनको अच्छा है, वो जो भागे जा रहे हैं लोग, अपन भी भागना उनके साथ में, तो ऐसा करना नहीं है। ऐसी टिप्स जो है, ऐसी जानकारी जो है पेपर में खबर आती है और इसलिए इन्वेस्ट करते हो, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके तब मतलब आपके तरफ जब खबर आती है तो उसका टाइम हो चुका रहता है, जब आपके पास में खबर आती है तो लोगों ने बेचना चालू कर दिया रहता है ऑलरेडी। कि भाई म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस दोनों तरीके हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो या स्मॉल केस में इन्वेस्ट करो। स्मॉल केस थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि स्मॉल केस थीम पे चलता है, कोई आइडिया के ऊपर चलता है और फिर उसमें ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना है। म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस दोनों भी जाने माने कंपनीज जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके शहर में जो भी आपका एजेंट है, म्यूचुअल फंड का एजेंट है, उसको कॉन्टैक्ट करो और वो उसको कॉन्टैक्ट करके स्टैंडर्ड जहाँ है मतलब स्टैंडर्ड कंपनी स्टैंडर्ड वहाँ इन्वेस्ट करो, ना कि वो एजेंट बोल रहा है वहाँ, क्योंकि एजेंट जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं शायद उनका वहाँ बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनको दुबई की ट्रिप रहती है, सिंगापुर की ट्रिप रहती है और फिर उसमें आपको लगता है कि आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है मगर कंपनी उनको चार्ज दे रही है। तो फिर स्टैंडर्ड कंपनी में, स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल केस भी स्टैंडर्ड जो भी माने जाने उसमें इन्वेस्ट करना है तो फ़ायदा होगा। इसमें म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में 15-20% ब्याज मिलता है, मतलब 15-20% रिटर्न आपको मिलेगा, ब्याज नहीं रिटर्न, और उसके लिए आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ धीरज रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि आप आँच डाल देंगे और मेरे को एक हफ्ते के बाद में होना है, एक महीने के बाद में पैसा होना है, शायद आपका पैसा कम हो जाएगा, तो आपको जितने पैसे की ज़रूरत है अगले महीने में, दो महीने में, शादी है 6 महीने में, तो म्यूचुअल फंड में, शेयर में, स्मॉल केस में डालने का नहीं है, आपको बैंक में रखना है। जो भी पैसा आपको तुरंत लगने वाला है बैंक में रखो, जो पैसा आपको लगने वाला है नहीं 10 साल बाद में देखेंगे खोल के, अच्छे कंपनी में डालो, 10 साल तक डालो, बीच बीच में देखते रहो क्या हो रहा है, तो मगर आपको 10 साल का लॉन्ग टर्म का सोचना बहुत जरूरी है। चौथी जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि कंपाउंडिंग जो है वो समझते नहीं है, कंपाउंडिंग होते रहता है जब आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो, और इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 15% इंटरेस्ट रेट है या 15% रिटर्न मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल होने के बाद में 100 रुपये का 115 हो गया। अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 115 के ऊपर 15 मिलेगा, आप समझ लो, मतलब वो 17 हो सकता है, कैलकुलेट करके देख लेना, तो फिर आपको 117 मतलब अगले बार फिर 115 प्लस 17 132 हो जाएगा 2 साल के बाद में। तो ये कंपाउंडिंग बोले तो ये 8वां अजूबा बोलते हैं, 8th मिरेकल या 8th मैजिक,
क्योंकि कंपाउंडिंग दिन रात चलता है, रात में भी कंपाउंडिंग होता है, दिन में भी कंपाउंडिंग होता है, कंटिन्यू चलते रहता है कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती बैच जिसको बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग समझ लो, कंपाउंडिंग का फायदा होना है तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बैच मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, उसको री इन्वेस्टमेंट करना है, लेना नहीं है निकाल के। अब निकाल के लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। पांचवा जो है वो है इग्नोरिंग अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा का क्या मतलब होता है? अल्फा इसका मतलब ग्रोथ और बीटा मतलब रिस्क। आपने इन्वेस्ट करने के समय देखना है कि इसमें ग्रोथ कितना है। यदि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाने की इच्छा रखते हो तो आपको बीटा भी, मतलब बहुत ज़्यादा अल्फा है तो उसका बीटा भी ज़्यादा रहेगा, रिस्क भी ज़्यादा रहेंगे। आप बोलते कि नहीं नहीं मेरे को है ना बीटा बिल्कुल ही जीरो चाहिए, मतलब रिस्क बिल्कुल ही जीरो चाहिए, मेरे को कोई रिस्क चलती नहीं है, ग्रोथ भी आपको इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या है, लो बीटा लो ग्रोथ, हाई बीटा हाई ग्रोथ, या हाई ग्रोथ हाई बीटा। तो यंग एज आपका है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, और फिर जहाँ हाई ग्रोथ है या हाई बीटा है वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर उम्र ज़्यादा है तो फिर जो ज़्यादा एजेड लोग हैं उन्होंने हाई बीटा के पीछे जाना नहीं, उन्होंने सर्टन सेटल पैसा मिलता है जो बैंक है वही उन्होंने रखना है, क्योंकि उनको लंबे समय तक रखना भी नहीं और उनको रिस्क भी लेना नहीं है। जितना ज़्यादा अल्फा है, मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट में, उतना ज़्यादा बीटा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है और रिस्क कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूजुअली म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस इसमें 15-25% मिल सकता है, 15-25। मगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं मैं एक साल में डबल करूँगा, 6 महीने में डबल करूँगा, 2 साल में डबल हो जाएंगे, ऐसा कोई भी मतलब कसम खा के बोल सकता है तो वो गलत है, झूठ है, वो सही नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई नहीं व्यक्ति ऐसा होगा तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बेच डालेगा, एक साल में डबल ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होते रहता है। तो 15-25 के बीच में यदि आपको कोई रिटर्न दे रहा है तो आप सब तपास लो, समझ लो, बाद में इन्वेस्ट करो। और 25 के ऊपर यदि कोई भी बोल रहा है और कितना भी अच्छा हो, कितना भी साउंड हो, तभी उसमें इन्वेस्ट करने का नहीं है। छठवा पॉइंट जो है वो है नॉट सेटिंग गोल्स। आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत महत्व का है, क्योंकि आपके यहाँ शादी है 2 साल बाद में, तो उसके लिए हमने क्या प्रोविजन की हुई, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न आएगा, बच्चों का एजुकेशन है, उसको एडमिशन लेनी है, तो ऐसे जो खर्चे पानी जो होने वाले हैं उसके लिए, और अपने को गोल्स, अपने को मकान लेना है 50 साल की उम्र के बाद में, फ्लैट लेना है, या आपको बड़ी गाड़ी लेना है, कहीं अपने को पिकनिक जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका टूर करना है, दो ढाई लाख रुपए लग जाएंगे। तो फिर ऐसे इसमें आपके गोल्स पक्के होना चाहिए ताकि वो हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। लोग गोल्स पक्के करते नहीं है, बस इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करें मालूम ही नहीं क्या है, तो भागते जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ जा रहे हैं, और रिस्क में अपना पैसा डाल रहे हैं और मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपने अपने गोल्स पक्के करना है। और जब आपके पास में लोन्स है, लोन्स कर्जा है, तो कर्जा अपना है तो वो कर्जा अपने पास में रख के कहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। क्योंकि कर्जा जो है, मतलब लोन जो है, वो तो आपको रिपे करना ही है, क्योंकि आपने गिरवी रखा है फ्लैट या आपका मकान जो भी है वो। जो अपने इन्वेस्ट करना है वहाँ से गारंटी तो है नहीं कि कितने मिलेगा। आपका इधर ब्याज जा रहा है, ब्याज जा रहा है, ब्याज जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट जो है हो सकता है कि 4 साल कुछ ना मिले, 5 साल कुछ ना मिले, इसलिए लोन रखने का नहीं है। लोन जितने जल्दी आप पेमेंट कर सकते हो उतनी जल्दी पेमेंट कर लेना है। सातवां पॉइंट है कि इन्फ्लेशन का ख्याल रखो। इन्फ्लेशन जो है, ऐसा बोला जाता है कि समझो 100 रुपये की चीज़ आज जो मिल रही है वो चीज़ आपको अगले साल, एक साल पूरा होने के बाद में हो सकता है कि आपको 107 की मिलेंगी, 108 की मिलेंगी, जो भी है। इतना अपना महंगाई बढ़ते जा रही, इतना अपना इन्फ्लेशन रेट है। बैंक में आप पैसा रखते हो तो बैंक में 5%, 5.5%, 6% देंगे, और आपको 100 रुपये वहाँ रखे हैं तो आपको 106 मिलेंगे। मतलब आप जो 100 रुपये में चीज़ आज खरीद सकते हो वो आप बैंक में पैसा रख के खरीद नहीं सकेंगे, क्योंकि अपना पैसा कम हो चुका है। तो आपको वहीं इन्वेस्ट करना है कि जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देगा। और इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं, हो सकता है कि रीट है, जो मैंने पहले बताया था, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कॉरपोरेट बॉन्ड्स है, बड़े बड़े कंपनियों के बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, स्मॉल केसेस है, इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। आठवां जो है वो है टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब क्या है कि लोग बोलते हैं कि नहीं हम टाइम बराबर करेंगे मार्केट को, तो मार्केट का कोई टाइम नहीं होता है।
किसको मालूम कल मार्केट कितने भाव पे खुलने वाला है, कौन सा शेयर क्या भाव पे खुलने वाला है। यदि मालूम है फिर तो आप वो मल्टी मिलियनर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, यदि मालूम है आपको। तो किसी को मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भाई आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, फिक्स अमाउंट डालना है कि भाई मेरे को हर महीने में 5,000 रुपये शेयर मार्केट में डालने का है, और वो भी एक महीने में 5,000 एक समय नहीं है, 1,000 चार बार डालना है। तो फिर आपने वो स्प्रेड कर दिया, मतलब आपकी रिस्क कम हो गई, आपको एवरेज रेट मिल गया है, और आप अलग अलग कंपनियों में भी डाल रहे ताकि आपकी वो भी रिस्क कम हो गई। टाइमिंग की झंझट में पड़ना नहीं है कि भाई टाइमिंग बहुत अच्छा है, अभी करो इन्वेस्ट, ऐसा कोई टाइम होता नहीं है। तो ये मैंने 8 पॉइंट बताए, ये पॉइंट्स आप, ये जो 8 टिप्स है, इसका इस्तेमाल करो और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।